मेम्ब्रेन को डिराइव किया जाता है। कम ऑन एवरीबडी, अच्छे से पढ़िए ऑप्शंस को और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, एपिडर्मिस या फिर एपिडर्मिस एंड कनेक्टिव टिश्यू, विच वन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर वन, एंड द करेक्ट आंसर इज डी, एपिडर्मिस एंड कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर टू, बोन मैरो अकर्स इन, बोन मैरो अकर्स इन, चलिए विच वन इज करेक्ट? एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत अच्छे बच्चों, करेक्ट आंसर है बी, रिब्स एंड स्टर्नम, बोन मैरो अकर्स इन, वेरी गुड। एंड्स ऑफ टू बोन्स आर कनेक्टेड बाय, दो हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कौन करेगा? मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स या कार्टिलेज? एंड्स ऑफ टू बोन्स आर कनेक्टेड बाय, एब्सोल्यूटली करेक्ट, लिगामेंट्स। कम ऑन, व्हिच ग्लैंड्स सीक्रेट हॉर्मोन्स डायरेक्टली इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस? व्हिच ग्लैंड सीक्रेट हॉर्मोन्स डायरेक्टली इनटू द एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस, मतलब जिनके पास कोई डक नहीं है डायरेक्टली एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में सिक्रीशन देंगे। एंड द आंसर इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वेरी गुड। नॉर्मन बॉरलॉग इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, राइट? सो बच्चों, नॉर्मन बॉरलॉग ने किसको, किसकी वैरायटी को कल्टीवेट किया था? कम ऑन, किसकी वैरायटी को कल्टीवेट किया था? वेरी गुड, सेमी ड्वार्फ वैरायटीज ऑफ व्हीट, बहुत अच्छे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल बाय प्लांट्स, फ्रॉम सॉइल बाय प्लांट्स? Come on, tell me. Soil में से phosphorus की absorption कौन करेगा? And the correct answer is B, glomus, because this is a genus of mycorrhiza, right? Which biofertilizer or which organism is used as a biofertilizer for raising soybean crops? Dear students, soybean crop, and soybean is considered as a leguminous plant. Then which organism is used? Come on. Let me see बच्चों, voice में क्या problem है? Is it still the same? Hello? Okay, I think there is an echo, right? Question number two. But now it's fine, I guess. Is it? Chali. So here is the question, and I told you soybean crop belongs to leguminaceae, that means rhizobium. This bacteria is used. Next, which one of the following is correctly matched? Dear students, which one of the following is correctly matched? Come on, read all the options carefully. Come on, everybody. And the correct answer is B,
P. Weismann. He proposed the theory of germ plasm, right? Come on. Necrosis or death of tissue, particularly leaf tissue, is due to the deficiency of. टेल मी बच्चों, किसकी डिफिशियंसी से नेक्रोसिस यानी कि डेथ ऑफ टिश्यूज होता है? किसकी डिफिशियंसी से नेक्रोसिस यानी कि डेथ ऑफ टिश्यूज होता है, लीफ टिश्यू? अरे वाह, सम स्टूडेंट्स न्यू द करेक्ट आंसर. ओ गॉड, व्हाट इज दिस? ओके, सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज कैल्शियम मैग्नीशियम कॉपर एंड के. के मीन्स पोटेशियम, राइट डियर स्टूडेंट्स? हियर द करेक्ट आंसर इज डी. ओके, कम ऑन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द एंटायर कलेक्शंस ऑफ प्लांट्स एंड सीड्स, द एंटायर कलेक्शंस ऑफ प्लांट्स एंड सीड्स हैविंग डाइवर्स अलील्स, व्हाट इज दिस? डाइवर्स अलील, वेरी गुड, वेरी गुड रोहू. करेक्ट आंसर इज ए, जर्म प्लाज्म. दिस इज नोन एज जर्म प्लाज्म कनेक्शन कलेक्शन. वेरी गुड बच्चों, दिस वन इज एब्सोल्यूटली करेक्ट. ब्रीडिंग क्रॉप्स विद हाइयर लेवल्स ऑफ मिनरल्स, विटामिंस और हाइयर प्रोटीन कंटेंट, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड? Tell me everyone, what is this process called? Biofortification. Biofortification, very good. Next, a free living organism, nitrogen fixing bacterium is. Free living nitrogen fixing bacterium is. Come on, tell me the correct answer. Absolutely correct, Robert. D is absolutely correct. Both A and B. An aquatic fern, which is an excellent biofertilizer. Which of the following is an aquatic fern as well as a biofertilizer? Come on. Absolutely correct, dear students. Azolla is absolutely correct. Next, an edible fungus is the fungus that can be eaten. Edible means that can be eaten. Which of the following is an edible fungus? Come on. No, the correct answer is D or Moschella. Right? No, Rohu. Next, populations are said to be sympatric. Which population is called sympatric, dear students? Which population is called sympatric? And very good. Only some of you knew the correct answer, that is C. The population that shares same environment but cannot interbreed. Good. Dear students, next question is, pollen grains of a plant have n is equal to 28. Right? What would be the number of chromosomes in the cells of callus? Tell me. What would be the number of chromosomes in the cells of callus? Here the pollen grains are taken for the formation of callus. Now tell me. And the correct answer is B, 14. Because if 2n is equal to 28, then n is equal to 14. So the pollen grains will be producing only 14 chromosomes.
नेक्स्ट, ओव्यूल इंटिग्यूमेंट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, बच्चों जो ओव्यूल की इंटिग्यूमेंट्स हैं वो किसमें डेवलप कर जाती हैं? कम ऑन टेल मी, ओव्यूल की जो इंटिग्यूमेंट्स हैं वो इनमें से कौन से स्ट्रक्चर में डेवलप करेंगी? कम ऑन, एंड द करेक्ट आंसर इज सी, सीड कोट। द इंटिग्यूमेंट्स डेवलप इनटू सीड कोट, वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स। ऑस्टियोमलेशिया इज अ डिफिशियंसी बिकॉज ऑफ, टेल मी ऑस्टियोमलेशिया किसकी डिफिशियंसी से होती है बच्चों, किसकी कमी से होती है? रोहू मीरा, कम ऑन टेल मी, डू यू नो ऑस्टियो वर्ड इज यूज फॉर बोन्स, राइट? सो ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑल दीज सेल्स आर रिलेटेड टू बोन्स, और हड्डियों से रिलेटेड है विटामिन डी, राइट? सो करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ टंग मसल इज कंट्रोल्ड बाय, बच्चों कौन सी क्रेनियल नर्व है जो कि टंग मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करेगी? विच वन इज करेक्ट, टेल मी विच वन इज करेक्ट, कम ऑन एवरीबॉडी, एंड हियर द करेक्ट आंसर इज हाइपोग्लोसल, राइट? दिस वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज आर द विक्टिम्स ऑफ, बच्चों ये जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं वो किस कारण से खत्म होने की कगार पर है? क्यों इनको एंडेंजर्ड स्पीशीज में डाला है? मेजर कॉज क्या है बच्चों? चलिए बताइए, कम ऑन। ईगल क्वार्टेट आपने पढ़ा होगा इकोलॉजी में, यानी कि चार कॉजेस आपने पढ़े थे बायोडायवर्सिटी लॉस के, उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज था बच्चों वो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है, राइट? कम ऑन, बोवाइन इनसेफेलोपैथी, ये बेटा प्रायंस के द्वारा होने वाली बीमारियां हैं, कौन से एनिमल्स में होती हैं? बोवाइन, स्पॉन्जिफॉर्म, एनसेफेलोपैथी। कम ऑन, बिल्कुल अलर्ट होके बैठिए और करेक्ट आंसर देते चलिए, वेरी गुड बच्चों, काउ इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ब्लड स्ट्रेन्स आर फाउंड एट द साइट ऑफ मर्डर इफ डीएनए प्रोफाइलिंग टेक्निक इज टू बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द क्रिमिनल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडल फॉर यूज, बच्चों अगर किसी मर्डर स्पॉट से आपको डीएनए निकालना है, ठीक है, और क्रिमिनल को फाइंड करना है, तो इनमें से कौन से सेल्स को आप प्रेफर करोगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए? बताइए, कम ऑन, एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत ही कम बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया, अभी तक सिर्फ मुकेश ने सही आंसर दिया था, वेरी बैड बच्चों। ल्यूकोसाइट को इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज दीज आर WBCs एंड दे हैव न्यूक्लियस, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल को पोजेस करेगी, राइट? बेटा सीरम इज, जब भी प्लाज्मा के अंदर कोई क्लॉटिंग फैक्टर यानी कि फाइब्रिनोजेंस नहीं होते हैं, सो दिस प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, ठीक है? चलो बच्चों, कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ पर प्रेजेंट होती है? वेरी गुड वेरी गुड, एंडोडर्मिस में, वाह बहुत अच्छे। अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 2n इज इक्वल टू 16 दिया हुआ है, राइट, विच इज इन मेटाफेज ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिविजन, व्हाट शेल बी द टोटल नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स इन ईच ऑफ द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट? बताइए, व्हाट शेल बी द टोटल नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स इन ईच ऑफ द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट? कम ऑन एवरीबॉडी, बेटा यहां पर लिखा हुआ है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, दैट मींस मियोसिस वन की बात हो रही है, और जब मियोसिस वन के रिजल्ट होगा तो
तो ये जो 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो हाफ होके कितना बना लेगा, 8 क्रोमोसोम्स बनाएगा, राइट? तो बच्चों 8 क्रोमोसोम्स का मतलब है हाउ मेनी क्रोमेटिड्स, 16 क्रोमेटिड्स, ठीक है? इसीलिए करेक्ट आंसर है बी, दैट इज 16। नेक्स्ट, अ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय, बच्चों फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो को कैसे पहचानोगे, चलो बता दो, कम ऑन। कम ऑन बच्चों, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, वेरी गुड। प्रोबोस्किस एंड पेपिलाई आर लॉन्ग एंड मोर और लेस ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बच्चों, इनमें से लेटरल मेरिस्टेम का एग्जाम्पल कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम, कम ऑन, कम ऑन एवरीबडी। सचिन, ये फुल बायोलॉजी की क्विज है। हेलो शिवानी, एंड द करेक्ट आंसर इज सी, फेलोजन एंड फेसिकुलर कैम्बियम, बच्चों ये लेटरल मेरिस्टेम, दिस इज द लेटरल मेरिस्टेम। चलिए, मोस्ट प्रिमिटिव एंसेस्टर्स ऑफ मैन, मोस्ट प्रिमिटिव एंसेस्टर्स ऑफ मैन, बताइए विच वन इज करेक्ट, मोस्ट प्रिमिटिव एंसेस्टर्स ऑफ मैन, और ये मुझसे गलती से मिस्टेक हो गई, लेकिन आंसर एकदम सही है, रामपिथिकस पंजाबिकस, ठीक है बच्चों, मस्ट रिमेम्बर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पॉलीसेकराइड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसेकराइड, पॉली का मतलब है बच्चों जो काफी सारे यूनिट से मिलकर बना हो, विच इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल यूनिट्स, कम ऑन। अरे वाह, वेरी गुड, ग्लाइकोजन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर वेरी हाई लोड ऑफ बिलिरुबिन इन अ न्यूबॉर्न, बताइए इनमें से कौन सा रीजन नहीं है, ठीक है, कि ब्लड के अंदर या फिर जो न्यूबॉर्न बच्चा है उसके अंदर बिलिरुबिन की मात्रा काफी ज्यादा है, बताओ बेटा, कम ऑन। चलो बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन, अरे वाह, बिल्कुल सही बात है बच्चों, मदर के मिल्क में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन है, ये कोई रीजन नहीं है कि न्यू बॉर्न के अंदर हाई लोड ऑफ बिलिरुबिन होगा, एक्चुअल में वो न्यू बॉर्न के लिवर से ही सिंथेसाइज होता है, राइट? ये बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ इंसुलिन, बच्चों इनमें से कौन सा इंसुलिन का फंक्शन नहीं है, चलिए बताइए, व्हाट डू यू थिंक इज करेक्ट, टेल मी, विच वन इज करेक्ट बच्चों, नो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी करेक्ट आंसर डी है, लिखा हुआ है कि भाई ये जो इंसुलिन है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाता है ना, इसका मतलब तो ये हुआ कि ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करवाता है, बट ये गलत है क्योंकि वो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है, मतलब कम करवाता है, ठीक है जी। आगे देखो बेटा, ग्लोमेरुलर कैप्सूल एंड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑलवेज लाई विद इन, बताइए बच्चों ये जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल्स हैं एंड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं कौन से रीजन में प्रेजेंट होती हैं, कम ऑन, हरी अप, ये तो बहुत सिंपल है बेटा, वेरी गुड, रीनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स रीजन में ग्लोमेरुलर कैप्सूल्स एंड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं
और मेड्यूलर रीजन में प्रेजेंट होते हैं लूप ऑफ हेनली। चलिए बच्चों, रिब्स और स्टर्नम के बीच में कौन सा जॉइंट मिलेगा? रिब्स और स्टर्नम के बीच में कौन सा जॉइंट मिलता है? कम ऑन, टेल मी विच वन इज करेक्ट। कार्टिलेजिनस जॉइंट, वेरी गुड तान्या, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स एंड वॉटर अकर्स इन। बच्चों, मोस्ट ऑफ द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स एंड वॉटर अकर्स इन, टेल मी। व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर? सी, एब्सोल्युटली करेक्ट, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दैट इज पीसीटी। As PCT has brush border epithelium, right? Next question. SO2 pollution is indicated by. Bacho, SO2 pollution is indicated by. Come on. Tell me. And the correct answer is C. Very good. Absolutely correct, बच्चो. जो lichens है वो कभी भी polluted area में grow नहीं करती. बहुत अच्छे आखे. Which of the following statements is correct with respect to kidney function regulation? बताइए. It's okay, Harshu. Come on. बच्चों अच्छे से ऑप्शंस को रीड कीजिए और करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है बी, बहुत अच्छे। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल, टेल मी बच्चों कितनी बोन्स होती है ह्यूमन स्कल में? कम ऑन, How many bones are there in human skull? अरे पा, 22 facial bones होती हैं, 8 और बाकी cranium वाली 40, है ना? चलिए, उल्टा बोल दिया मैंने, मुझे लग रहा है। ये बताओ, question number 37, वो कौन से pollutants हैं जो long lasting effect show करते हैं? जिनका असर लंबे समय तक रहता है, बताइए कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं बच्चों? कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं? कम ऑन, टेल मी बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड रोहू, रॉबर्ट, वेरी गुड, नो चेतन, दैट्स रॉन्ग, पेस्टिसाइड्स इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पासेस फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैप्सूल इनटू दी। बच्चों, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पास होता है ना ग्लोमेरुलर कैप्सूल से, तो वो कहाँ पर एंट्री लेगा? चलो बताओ कहाँ पर पहुंचेगा वो सीधा? लाइक बोमेंस कैप्सूल से वो सीधा कहाँ पर पहुंचेगा? पीसीटी में, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, इन रेस्पिरेशन पाइरुविक एसिड इज। बच्चों, जब रेस्पिरेशन होती है तो पाइरुविक एसिड पर क्या असर पड़ेगा? टेल मी, अरे वाह, कॉमनली फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, वेरी गुड। द प्रोसेस ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय। बच्चों, वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने फोटोफॉस्फोराइलेशन को डिस्कवर किया? टेल मी, नो डियर स्टूडेंट्स, हियर द करेक्ट आंसर इज बी, आनंद। आनंद वाज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। Okay, next, the correct sequence of the cell organelles during photorespiration.
टेल मी बच्चों, फोटो रेस्पिरेशन के दौरान जो ऑर्गेनल्स काम करते हैं उनका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? कम ऑन, हरे अप। हेलो भावना, वेरी गुड रोहू, एब्सोल्युटली करेक्ट। ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी वेल। कम ऑन, पी जी ए व्हिच इज आल्सो नोन एज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एज द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट वाज डिस्कवर्ड इन फोटोसिंथेसिस ऑफ। कम ऑन उज्जवल, आरविल, गो फॉर इट। कम ऑन डियर स्टूडेंट्स, लाइक द वीडियोस एज वेल। And the correct answer is A, Elga. Right? Very good. Kelvin cycle was given on an experiment, right? On Elga. Come on. Which ultimately occurs during respiration is? बच्चों finally होता क्या है? Respiration में ultimately क्या होता है बेटा? क्यों किया जा रहा था respiration? बताइए। वेरी गुड, एटीपी के लिए, टू सिंथेसाइज एटीपी, वेरी गुड। द सीफो प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिकली मोर एफिशिएंट देन सी3 प्लांट्स बिकॉज। ऐसा क्यों होता है बच्चों? सीफो प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिकली मोर एफिशिएंट। कम ऑन, come on, and the best answer here is because they have more chloroplast, but the another answer could be C. okay everybody, C, like CO2 जो generate होती है ना, वो trap हो जाती है। चलिए next, which of the following statement is true for ATP? टेल मी बच्चो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एटीपी? कम ऑन, अंजलि, कोड 1 ही भरना चाहिए था आपको, क्योंकि आपका रिजल्ट अभी आया नहीं है, रिजल्ट अवेटेड है, तो आप ट्राई करो कोड 1 ही भरने के लिए, ठीक है? चलिए बच्चों, दी करेक्ट आंसर इज डी, एटीपी इज अ कोएंजाइम। मस्ट रिमेंबर, एटीपी इज अ कोएंजाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रियल कंपोनेंट कनेक्टेड विद एटीपी सिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया का वो कौन सा कंपोनेंट है जो एटीपी सिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? बताइए बच्चों, कम ऑन, कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है? F1 F0 पार्टिकल, वेरी गुड। सो द करेक्ट आंसर इज डी, राइट, वेरी वेल। नेक्स्ट, इन डैश NADP इज कन्वर्टेड इनटू NADPH2। बच्चों कौन से रिएक्शन में ऐसा होता है, कौन से रिएक्शन में ऐसा होता है कि NADP कन्वर्ट हो जाएगा NADPH2 में? चलिए कम ऑन, एंड द करेक्ट आंसर इज नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। राइट बच्चों, क्योंकि साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में सिर्फ एटीपी की फॉर्मेशन होती है ना, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में तो इन चीजों का यूज होता है, वो बनते थोड़ी ना है, राइट, सेम विद फोटोलाइसिस। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल्फ रेप्लिकेशन ऑर्गेनल्स एज दे हैव। बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऐसा क्या है जो वो सेल्फ रेगुलेशन कर सकती है? बताइए, दो ही क्वेश्चंस और बचे बेटा। यद्यपि वो कल सुबह करेंगे इवोल्यूशन के एमसीक्यूज,
वेरी गुड बच्चों, करेक्ट आंसर है डी, दैट इज डीएनए. नेक्स्ट, वेयर डज द बल्क फिक्सेशन ऑफ कार्बन थ्रू फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस. सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बन की जो फिक्सेशन है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, बच्चों वो कहाँ पर होती है बता दो. एंड कम ऑन, गो एंड लाइक द वीडियो फर्स्ट. चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए साथ साथ. आरबिल जी करेक्ट आंसर बताओ एंड थैंक यू. बच्चों हियर द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज ओशियंस, राइट. सबसे ज्यादा CO2 फिक्सेशन ओशियंस के अंदर होती है. चलिए, द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस व्हिच अंडरगोज लाइसिस और स्प्लिटिंग इज. बच्चों वो कौन सा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो कि लाइसिस होगा यानी कि स्प्लिट होगा. कम ऑन एवरीबॉडी, गो फॉर इट. कम ऑन, जिसको स्प्लिट करके तीन तीन कार्बन के दो शुगर बनाते हैं बेटा. वेरी गुड यशवंत, इशिका वेरी गुड. फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट, वेरी गुड बच्चों. चलिए, सो दिस इज ऑल. यहां तक आप लोगों ने कर लिया होगा अच्छे से, ठीक है बेटा. जो क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं आते थे ये क्लास करने के बाद आपको वो आ गए होंगे. अब आप उनको याद रखिएगा ताकि नीट के अगर एग्जाम में सेम क्वेश्चंस ट्राई करें तो आपको आंसर तुरंत पता चल जाए, ठीक है. चलिए तो फिर मिलते हैं कल सुबह एंड वी विल डिस्कस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम क्लास 12 चैप्टर नंबर 7. सो ऑल ऑफ यू बी देयर ऑन टाइम टुमारो @10 AM. ओके बच्चों, चलिए अच्छे से पढ़ के रखना एंड वीडियो को लाइक करते चलो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगी फ्री इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस की वीडियोस. दिस इज माय अनदर